नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, अभी की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान आंगनबाड़ी केंद्रों पर 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, न्यूज़ एकदम कंफर्म है कि आज शाम को या कल सुबह आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 15,000 पदों की जो विज्ञप्ति है वो आपके जारी कर दी जाएगी। और 1 से 2 दिन में ही आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी आपके शुरू हो जाएंगे। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। तो ऑफिशियल न्यूज पर चलने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ दोस्तों, हमने राजस्थान जुड़ी विभिन्न भर्तियों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक न्यूज़ समय पर मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमने राजस्थान जुड़ी विभिन्न भर्तियों के लिए राजस्थान जीके के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट बना रखे हैं। उन मॉक टेस्ट के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और आपसे पहले जिन विद्यार्थियों ने मॉक टेस्ट दिए हैं उनका रिजल्ट भी आप चेक कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दें, हम रोज एक मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आज की न्यूज़ है कि प्रदेश में भरे जाएंगे करीब 15,000 पद, आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगी मानदेय कर्मियों की भर्ती। सरकार ने जारी किए आदेश, अगले माह में जारी की जाएगी भर्ती। यानी सरकार ने आपके आदेश जारी कर दिए हैं और अगले महीने में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और प्रदेश में है इतने पद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कार्यकर्ता के आपके 3,686 पद रिक्त हैं, वहीं मिनी कार्यकर्ता के आपके 708 पद रिक्त हैं और सहायिका के आपके 4,122 पद रिक्त हैं और सहयोगिनी के आपके 6,511 पद रिक्त हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, लगभग आपके 15,000 पदों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में आपकी भर्ती आने वाली है। आगे आप देख सकते हैं, न्यूज़ आपके बांसवाड़ा से है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कर्मियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाओं की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत केंद्रों पर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सह शिशु पालन गृह कार्यकर्ता एवं सहयोगनियों के रिक्त पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। विभाग 1 सितंबर को विज्ञप्ति जारी करेगा, 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं में कार्मिकों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विभाग 1 सितंबर को विज्ञप्ति जारी करेगा, यानी विभाग आज शाम को या कल सुबह तक आपके विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और विज्ञप्ति जारी होने के बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो जाएंगे और आपके अगले महीने फिर कार्मिकों का चयन किया जाएगा।